जय जय रघुवीर समर्थ। ओम आदिनारायणं विष्णुं ब्रह्माणं च वसिष्ठकं श्रीरामं मार्तिं वंदे रामदासं च श्रीधरं। नमः शांताय दिव्याय सत्यधर्मस्वरूपिणे स्वानंदामृततृप्ताय श्रीधराय नमो नमः। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णुर्गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुस्साक्षात् परं ब्रह्म तस्मै श्रीगुरवे नमः। जय जय रघुवीर समर्थ। ओम सर्वप्रथम मैं सभी श्रोताओं को वंदन करता हूँ और सद्गुरु भगवान श्रीधर स्वामी महाराज के दिव्य चरित्र का जो हम चिंतन कर रहे हैं उसे आगे बढ़ाता हूँ। पिछले प्रवचन में हमने देखा कि श्रीधर स्वामी महाराज की माताजी के इच्छे का इच्छा अनुसार श्रीधर स्वामी देगलूर नाम के अपने गांव गए और वहां पर अपने ही पूर्वजों को ब्रह्म राक्षस की रूप में देखकर उन्हें दिव्य उपदेश किया और अपने तीर्थ जल से प्रोक्षित करके उन्हें उस नीची योनि से बाहर निकाला। वहां से श्रीधर स्वामी शिघ्याहल्ली पहुंच गए। शिघ्याहल्ली जब मठ में पहुंच गए तो वहां पे मानो आनंद का महासागर उमड़ पड़ा। मठ में रहने वाले भक्तगण बड़े प्रसन्न थे, स्वामी जी आ गए हैं। गांव के लोग बड़े प्रसन्न थे और आजू बाजू के गांव में ये वार्ता फैल गई कि श्रीधर स्वामी आ चुके हैं। गांव गांव से लोग दर्शन के लिए आने लगे। वहां प्रशासन ने श्रीधर यात्रा नाम से 6 बस गाड़ियां शिघ्याहल्ली मठ जाने के लिए नियुक्त कर दी। फिर भी भीड़ कम नहीं हो रही थी। मास्टर गणपति को श्रीधर स्वामी ने कहा कि मठ की किसी भी संपत्ति का हम उपयोग नहीं करेंगे और अपना खर्चा करेंगे ताकि मठ की संपत्ति बची रहे और संभव हुआ तो मठ में कुछ संपत्ति और जोड़ दे, उसका कर्जा उतार दे। यहाँ पर श्रीधर स्वामी द्वारा पुनः एक बार बहुत बड़ा अन्नदान का प्रकल्प चला जिससे अनेक भक्त और साधुगण लाभान्वित हुए। दत्त जयंती उत्सव वहाँ पर मनाया गया और सज्जनगढ़ से आकाशी बुआ नाम के एक रामदासी श्रीधर स्वामी को दास नवमी उत्सव जो माघ पक्ष में आता है उसको मनाने के लिए सज्जनगढ़ ले जाने के लिए आ गए। उनकी प्रार्थना सुनकर श्रीधर स्वामी कुछ भक्तों के साथ सज्जनगढ़ पहुंच गए। वहां पे दास नवमी का उत्सव मनाया गया। कुछ आर्थिक विवंचनाएं श्रीधर स्वामी के आने के बाद नष्ट हो गई और अब श्रीधर स्वामी दासनवमी उत्सव संपन्न करके कुरोपुर जाने के लिए प्रस्तुत हो गए। यह स्थान कलयुग में जो भगवान दत्तात्रेय का प्रथम अवतार माना जाता है वह श्रीपाद श्री वल्लभ इनका यह स्थान है। एक द्वीप पर है, कृष्णा नदी में जो द्वीप उत्पन्न हुआ है वहाँ पर यह स्थान है। श्रीधर स्वामी वहाँ पर पहुँच गए। एकांत की अपेक्षा थी, बहुत कम भक्त उनके साथ थे और वे वहाँ पर पहुँचने के बाद कृष्णा नदी में त्रिकाल स्नान करना और कड़वे नीम का रस पीना
इससे निर्वाह करने लगे। कुछ दिन बीतने के बाद श्रीधर स्वामी जब स्नान के लिए एक बार गए थे, स्नान होने के बाद जब देखते हैं तो उनकी पादुकाएं वहां पर नहीं थी। शिष्यों को पूछा, भक्तों को पूछा, किंतु वे भी नहीं बता पाए। श्रीधर स्वामी मौन रह गए। और फिर 5-6 दिन बाद पुनः वही पादुकाएं स्वामी जी की जिस स्थान से अदृश्य हुई थी वहीं पे दिखाई पड़ी, और उसमें तुलसी दल दिखाई पड़े, जिससे ये निश्चित हो गया कि किसी ने उसकी पूजा अर्चा की है। यह देखकर श्रीधर स्वामी ने शिष्यों को बताया कि देवी देवताओं को भी सद्गुरु के पादुकाओं की अपेक्षा होती है, क्योंकि वह पादुकाएं, वह सद्गुरु चरण देवताओं के लिए भी पूजनीय होते हैं। तम वंदे गुरुपदम श्रेष्ठम देवानाम अपि दुर्लभम, ऐसे गुरु गीता में कहा गया है। देवों के लिए भी ये चरण युगल दुर्लभ होते हैं। कुरवपुर आने के बाद श्रीधर स्वामी प्रतिदिन वहाँ पर जो एक शिव मंदिर है वहाँ पर शिवलिंग को अभिषेक करते थे। 4-6 दिन ही बीते थे कि अचानक से एक नील श्याम वर्ण का युवक, 16-17 वर्ष की आयु का, कृष्णा नदी से बाहर आया। उसके देह पर भस्म धारण किया हुआ था और वस्त्र के भांति उसने व्याघ्राजिन पहन के रखा था। यह युवक सीधे मंदिर की ओर चला गया और मंदिर में जाने के बाद अदृश्य हो गया। सब शिष्य अचंभित थे। श्रीधर स्वामी हंसते हुए बोले कि यह साक्षात भगवान शिव थे और शिवलिंग की उचित पूजा न होने के कारण वे कृष्णा नदी में जाकर बैठे थे। मुझे यहाँ पर इस दास को यह निवेदन करना है कि यदि हम अपने घर में भी अपनी देवताओं का उचित पूजन नहीं कर पाएंगे तो वह देवताएं भी वहाँ से निकल जाएंगी। हमारे घर में अनेकों समस्याएं होती हैं, उन समस्याओं का कारण ऐसी बातों में होता है। हम योग्य पद्धति से देवतार्चन नहीं करते, जो विधि निषेधात्मक नियम है उनका पालन घर में नहीं करते, पितरों के लिए और पशु पक्षियों के लिए भोजन का एक पिंड अर्पण नहीं करते, ऐसी बातें श्राद्ध पक्ष आदि समय पर नहीं करते, इन कारणों से हमारे घर में अनेक विवंचनाएं होती है। इस बात से हमें यह पता चलता है कि भगवान की उचित पद्धति से पूजा अर्चा करनी चाहिए और वो प्रतिदिन होनी चाहिए। अस्तु, एक ब्रह्मचारी वहाँ पर आ गया जो वहाँ पर साधना करना चाहता था, किसी से बात नहीं करता था, एकांत में बैठकर साधना करता था। चातुर्मास आने के बाद वह श्रीधर स्वामी के पास आया और कहा कि यदि आप मेरे अन्न निर्वाह का दायित्व उठाते हैं तो मैं यहाँ पर चातुर्मास करना चाहता हूँ। स्वामी जी ने उसे हाँ कर दिया और वह वहीं पर रुककर साधना करने लगा। एक दिन दोपहर श्रीधर स्वामी अपने स्थान पर वापस आ रहे थे कि उन्हें वह ब्रह्मचारी जहाँ रहता था वहाँ से भयग्रस्त करुण ऐसी पुकार सुनने को आई। श्रीधर स्वामी ने द्वार खोलने का प्रयत्न किया किंतु वह अंदर से बंद था। कैसे भी तो उन्होंने वो द्वार खोल दिया और उन्हें यह दिखा कि यह ब्रह्मचारी नीचे गिरा पड़ा है, उसकी आंखें मानो बाहर निकल आई है और वो
अंतिम सांसें गिन रहा है। तुरंत श्रीधर स्वामी को समझ में आया कि ये बहुत बलवान ब्रह्म राक्षस के भक्ष स्थान पर गिरा है। उन्होंने उस पर कमंडलू के जल से प्रक्षण किया और ओंकार का नाद किया। ब्रह्म राक्षस ने भी ओंकार का नाद किया। तब श्रीधर स्वामी ने अपना एक पैर उसके छाती पर रख दिया और ओंकार का उच्चारण और तीर्थ का प्रक्षण करते रहे। धीरे धीरे वह ब्रह्म राक्षस क्षीण होता गया और वो देह से बाहर निकल गया। उसे श्रीधर स्वामी ने अपनी योग शक्ति से, आध्यात्मिक शक्ति से कृष्णा नदी की ओर जाने वाले मार्ग में मुंह नीचे कराकर दबा के रखा। उसके साथ 7-8 और भी ब्रह्म राक्षस थे, उन्हें उन्होंने सदगति दे दी। किंतु यह दुष्ट वृत्ति का था, इसलिए उसे वहीं पर दबा के रखा ताकि और भी भक्तगण जब आएंगे उनके चरण धूलि से, चरण स्पर्श से इसकी बुद्धि ठिकाने आ जाएगी। चातुर्मास समाप्त हो गया। श्रीधर स्वामी ने श्रावण मास में गाय के दूध से भगवान शिव की पिंडी पर अभिषेक किया था। अब चातुर्मास समाप्त होने के पर उन्होंने एक गाय और बछड़ा उस मंदिर के लिए अर्पण किया और आजीवन 101 रुपया अभिषेक करते रहने के लिए वे देते रहे। वहां से वे उत्तरकाशी पहुंचे। उत्तरकाशी में आने के बाद एक दिन श्रीधर स्वामी के सामने साक्षात भगवान विश्वेश्वर प्रकट हुए। उनका शरीर थरथरा रहा था और उन्होंने कहा कि यहाँ के जो साधु है, बैरागी है, अवधूत है, इन्हें अन्न खिलाओ, इन्हें वस्त्र प्रदान करो। और भगवान विश्वेश्वर अंतर्धान हो गए। श्रीधर स्वामी ने वहाँ मुफ्त में अन्नदान का, वस्त्रदान का और रहने का सब दायित्व ले लिया। एक विशेष रसोइये की नियुक्ति करके बड़े बड़े अच्छे सुंदर पकवान साधुओं को खिलाए। अनेक साधुओं ने यह कहा कि हमने आज तक ऐसे पकवान में कभी नहीं खाए हैं। यह सब चलता रहा, किंतु श्रीधर स्वामी मात्र स्वयं आरवी के कंदमूल ही खाते थे, ऐसा वैराग्य उनका इस चरित्र से प्रकट होता है। यहाँ पर दत्त जयंती आदि महोत्सव करके राम जी के और भगवान दत्तात्रेय की आज्ञा से उन्होंने रामनवमी तक वहाँ पर निवास किया। उसके बाद वे ऋषिकेश हरिद्वार जाने के लिए निकले। साधु जन बड़े दुखी हो गए और वे दूर तक उन्हें छोड़ने के लिए उनके साथ आगे गए। श्रीधर स्वामी ऋषिकेश आ पहुँचे, कुछ दिन वहाँ पर रुककर हरिद्वार आ गए। मास्टर गणपति वहाँ पर भी थे। उन्होंने सज्जनगढ़ के भास्कर बुआ की अगुवाई में श्रीधरकुटी नाम का एक निवास स्थान सज्जनगढ़ पर निर्माण करने का संकल्प किया था। उसके लिए क्या क्या करना है ये सब निर्देश श्रीधर स्वामी ने उन्हें दिए और वे वहाँ से निकलकर सागर शिवमोगा यहाँ पर जाकर वस्तुएं, संपत्ति आदि लेकर सज्जनगढ़ पहुँच गए और श्रीधर कुटी का निर्माण कार्य प्रारंभ हुआ। श्रीधर स्वामी यहाँ से आगे अयोध्या जी की ओर निकल पड़े। अयोध्या जी, फिर काशी और वहाँ से कर्नाटक। आगे क्या क्या हुआ ये हम अगले प्रवचन में देखेंगे। आज यहीं पर विश्राम लेते हैं।
पुनः एक बार मैं सभी श्रोताओं को विनम्र अभिवादन कर वंदन करता हूँ और अपने वाणी को विराम देता हूँ। जय जय रघुवीर समर्थ।